इसको गाइस ये देख सकते हो, ये लड़की मंगाई है हमने ब्यूली से। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो तो गाइज मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ से घर। कल परसों सुबह आया था मैं, कल सुबह आया था मैं, तो मेरे को था एक बहुत ज़रूरी काम घर पे, तो हम आए हैं सारे के सारे इस टाइम पे घर पे। और अभी उठे हुए हम, मैं सो के जस्ट अभी उठा हूँ मैं सो के। तो ये है मेरे साथ तनु भैया, अभी हमारे साथ ही सो रहे थे। तनु भैया हाय बोलो। हाय। तो गाइज अभी हम जस्ट बैठे हुए हैं और टाइम बज रहे हैं सुबह के 7-8-9 बजे बज रहे हैं। तो इस ब्लॉग में होने वाला है तुम्हारे भाई का होम टूर। तो ये देख सकते हो आप, ये है मेरा कमरा, तो जो कि तुम्हारे भाई का पर्सनली मेरा कमरा है। और तनु भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में। ये देख सकते हो इस तरह से कुछ मेरा कमरा, और वो सामने है मम्मी का कमरा, और अभी चल रहे हैं हम नीचे। सो चलो दिखाते हैं आपको विलेज लाइफ और गांव की ज़िंदगी। ये है मेरा एक किचन, तो जिसमें जब भी मेरे को भूख लग जाती है तब आके खाना बनाया जाता है यहाँ पे। सो इस तरह का है कुछ, ये है किचन, और ये देख सकते हो पूरी सुविधा के सारा सामान है यहाँ पे अवेलेबल एक किचन का। तो बिकॉज़ हम किचन में खाना इसलिए नहीं बनाते हैं बिकॉज़ हम हो जाते हैं बहुत अकेले, कभी घर पर एक बंदा होता है, कभी दो बंदे होते हैं, तो वो होता है बोर। तो यहाँ पे आप चिल मार सकते हो आराम से बैठ के। और ये है देख सकते हो गाइस मम्मी और पापा का रूम है ये वाला, तो उसके बाद बच गया है ये रूम। सो ये रूम है दीदी का, जो कि देख ही सकते हो कुछ इस तरह का है रूम। और सो ये है रूम दीदी का, जो कि कुछ इस तरह का लगता है। तो अभी देख सकते हो गाइस यहाँ पे बिस्तर भी नहीं मेटे हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे नीचे दादी के घर पे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो इस तरह का था मेरा कुछ घर, इतना सही है, बाकी एक किचन ऊपर है बना हुआ है। तो अभी करेंगे हम रूम लॉक, तो चलेंगे। तो अभी सूरज निकला हुआ है, बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है यहाँ पे, और मौसम हो रहा काफ़ी सुहाना था। तो चंडीगढ़ में तो इतनी जल्दी धूप देखने को नहीं मिलती है। हाँ, तो यहाँ पे बड़ी जल्दी धूप लग जाती है सुबह 7-8 बजे तक। ये देख सकते हो गाइस, और वो सामने देख सकते हो, वो हमारी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी, क्योंकि यार तुम्हारे भाई का घर इतना बड़ा है कि आने जाने के लिए एक गाड़ी तो चाहिए होती है हमारे को, समझ रहे हो। आने जाने के लिए तो गाड़ी तो हमारी ये पर्सनल गाड़ी है, जो घर में आने जाने के लिए चाहिए होती है हमारे को, वो ये गाड़ी है। तो बाकी हमारी गाड़ी भी कल तो ऊपर खड़े हुए हैं सड़क पर ही। तो इस तरह का वो देख सकते हो, ये है तनु भैया का घर सामने वाला, और वो है दादी का घर नीचे वाला, उससे नीचे वाला। तो ये हमारा गौशाला है यहाँ पे सारी की सारी। तो ये है गाइस तुम्हारे भाई का घर, यहाँ पे बने कुछ एक वॉशरूम भी, और वो सामने देख सकते हो गाइस डंगर निकाल लिए हमने बाहर, और तनु भैया ने निकाल दिया सुबह सुबह उनके लिए घास। तो सबसे पहले यार बंदे को सुबह उठने से पहले बंदे को फ्रेश होने के बाद घास निकालना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज डंगरों के लिए। तो ये है यहाँ से किचन। सो ये एक वॉशरूम है, इसमें पानी का टैंक भी बनाया हुआ है पानी पीने के लिए। और ये है तुम्हारे भाई का किचन, ये देख सकते हो गाइस, ये है हमारा किचन। सो इस तरह का है, ये अब भी रेनोवेट करवाया हुआ है, तो जो इसके ऊपर वो छत थी लकड़ी की थी,
तो वो हमने कर दी हुई थी, हटा दी थी बिकॉज उसमें से आ रहा था पानी अंदर बहुत सारा। तो यहाँ पे है एक हमारा स्टोर रूम, जिसे आप स्टोर रूम बोल सकते हो, या एक माता का रूम है यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ है, स्टोर रूम सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। और सामने वो है हमारे माता जी। तो एक छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा मंदिर। तो ये था कुछ। सो गाइस ये देख सकते हो, ये है हमारा घर। और एक रूम बनाएगा तुम्हारा भाई यहाँ पे भी अपने लिए स्पेशली, ठीक है। तो वो देख सकते हो, वो है चाचू का घर, ये भी है चाचू का घर। तो ये है राहुल भैया का घर सामने वाला, और ये है संजू भैया का घर, और ये है हमारा। अब चलेंगे हम नीचे तन्नू के घर की तरफ। सो इतना ही था मेरा घर, और वो है सामने विक्रांत का घर जिसको मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ जो प्रोफेशनली कहीं पे भी जा सकती हैं। वो जो गाड़ी थी वो हमारी पर्सनल गाड़ी थी, सिर्फ घर के अंदर अंदर की गाड़ी, यू नो हमारे को घूमने के लिए इतनी जगह तो चाहिए होती है। और तो गाइस ब्लॉग में बने रहो लास्ट तक, और ब्लॉग कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, चैनल कर लो शेयर, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं होता है। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे है हमारे डंगर भी रखे हुए, तो जिन्होंने खा लिया अपना ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हो गाइस, तो ये है तन्नू भैया का घर, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। और ये है तन्नू भैया के डंगर, और दादी के डंगर है ये। तो हमारे तो नहीं है बिकॉज हमारे घर पे कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास डंगर वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। पहले थे किसी टाइम पे, जब हाँ तुम्हारे भाई की भाभी आएगी तब रखेंगे हम भी दो चार डंगर दबा के, समझ रहे हो। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ये सामने पड़ा हुआ है जंगल। और आजकल जंगल में हो रहा है बहुत ख़तरनाक कांड, क्योंकि एक ब्रागन आई है जो शेर होता है हमारे वहाँ पे, बाघ बोलते हैं उसको। तो जो उसकी धर्म वाइफ है वो आई हुई है यहाँ पे अपने चार पांच बच्चों को लेके, क्योंकि पापा ने भी देखा हुआ है एक बारी, और गांव में दो तीन चाचू ने भी देखा हुआ है साथ में। तो हम भी चलेंगे उस साइड एक गुफा है, तो शाम के टाइम चलेंगे हम उस साइड राउंडी मारने और दिखाएंगे आपको बाघ की गुफा आज इसी ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं दादी के घर। तो ये देख सकते हो गाइस इस तरह का रास्ता है यार कुछ यहाँ पे। तो कल तो भाई बहुत दूर तक मैं चला गया था, नीचे नदी तक चला गया था मैं इसी रास्ते पे। तो मेरे घर पे पैर बहुत ज़्यादा दर्द। सो ये देख सकते हो, ये है पाइन ट्री जो कि बहुत बड़ा होता है, और पापा कर रहे हैं काम। तो गाइस अभी पहुँच गए हम दादी के घर। गाइस ये देख सकते हो, ये लड़की मंगाई है हमने ब्यूली से ये ब्यूली में गिरी हुई थी तो इसको मंगाया हमने ब्यूली से स्पेशली। देख सकते हो सानू है इसका नाम, और तन्नू भैया की तन्नू। और गाइस ये देख सकते हो, यस बेबी भी आई यहाँ पे। यस बेबी हेलो बोल, हेलो गाइस, ऐसा कर, हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस बोल। अब खा लेते आराम से, अब बोल। और गाइस ये भी बुलाई हमने ब्यूली से, ये भी बुलाया हमने ब्यूली से इसको, और ये मम्मी भी इधर लिनिवास। इसको होती है मेरे दिन की, ये है मेरा दिन का काम। सो अभी हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, और अभी दो रहा कपड़े, उसके बाद जाएंगे हम लकड़ी काटने। सो गाइस फाइनली हमने धो चुके हैं कपड़े, ये देख सकते हो गाइस ये हमारे कपड़े। तो नीचे वाले वॉशरूम में नहीं आ रहा था पानी, तो मैं आ गया ऊपर, तो अब धो रहे हैं। सो गाइस हमने कर दिया काम सारा ख़त्म, ये देख सकते हो इतनी लकड़ी हमने काट दिया यार आज के दिन, तो जो कि बहुत काम कर लिया हम। गए हम बहुत ज़्यादा थक, मेरे पैर कर रहे बहुत ज़्यादा दर्द, और तन्नू में ये देख सकते हो गाइस छाले पड़ गए हाथों पे। तो अभी जाएंगे रोटी खाने के लिए, तो लेट्स गो, टाइम हो गया, बज गए हैं 6 बज गए हैं।
तो अब हो गया डिनर का टाइम गांव में और ले जाएंगे हम सोने फिर उसके बाद। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो बाय बाय, गुड बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।